ओंकारेश्वर पवित्र नगरी से 3 किलोमीटर दूर प्राचीन मंदिर हमारे संवाददाता ने जारी ग्राउंड पर पहुंचकर प्राचीन मंदिर के बारे में बहुत कुछ पड़ताल की। मोरटेक का विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौर में तर्पण हेतु तीर्थ और पवित्र स्थानों की चिंता त्याग कर सद्बुद्धि और आत्मिक उद्धार के मार्ग को अपनाकर हमारी कर्म स्थली को ही तीर्थ और पवित्र स्थान के समान बनाया जा सकता है। ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना, मानव विकास तथा सेवा की गतिविधियां जहां निरंतर चलती हैं, वही तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। ईश्वर समूचे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। जहां मनुष्य के हृदय में सात्विक विचार और सद्भावना समाहित हो, वही क्षेत्र पावन तीर्थ होता है। यह बात गयाशिला पर प्रथम दिवस तर्पण आयोजन के दौरान पंडित धर्मेंद्र पाठक ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से श्राद्ध पक्ष के अवसर पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने तीर्थ और पवित्र क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जहां पर जीवात्मा के विकास की बात होती है, वही क्षेत्र तीर्थ और जहां पर अनावश्यक विवाद, मतभेद और झगड़े होते हों, वह क्षेत्र राक्षसों के अड़े के समान होता है। ऐसे स्थानों पर जीते जी आत्मिक संतोष भी प्राप्त नहीं होता तो मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए तर्पण करना मात्र एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। गयाशिला पर अगले 15 दिनों तक तर्पण कर्म कर श्राद्ध किया जाएगा। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ ओंकारेश्वर से दिलीप वर्मा की रिपोर्ट। 16 श्राद्ध में गयाशिला पर क्या कार्यक्रम हो रहा है? जी नर्मदे हर 16 श्राद्ध में गयाशिला पर पूर्वजों के निमित्त या पिंडदान तर्पण का कर्म हो रहा है, जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए समस्त विश्व शांति के निमित्त पिंडदान किया जा रहा है और कोरोना महामारी को देखते हुए डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। 2 गज की दूरी पर बिठाकर यजमान से पूजा किया जाता है। मास्क का उपयोग किया जा रहा है, सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्वजों के निमित्त यहाँ पिंडदान किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करता है, उसे गया जी जाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर पंडित जी बताइए, यहाँ पर एक चमत्कारी मंदिर है जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की है, उसमें क्या जानकारी है? जी, यहाँ पर जो गया शिला है, यही मार्कंडेय शिला है। ये मार्कंडेय ऋषि जी के द्वारा स्थापित है, क्योंकि मार्कंडेय जी ने अपने पूर्वजों के निमित्त जब उनको श्राद्ध तर्पण गया श्राद्ध करना था, तो उन्होंने यहाँ चतुर्मास के समय में तप किया और तप करके ये शिला उत्तरित हुई, जब से यहाँ गया श्राद्ध हो रहा है। यहाँ पर पांडवों ने भी अज्ञात वर्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया है।